रिजल्ट्स में हम सिर्फ बात हमने की कि जो अभी आपको फाइंडिंग्स मिली, मैं एग्जांपल भी थोड़ी सी एक आपको यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, और मैं फिर आपको एक मशवरा भी दूंगा और साथ में छोटी सी असाइनमेंट भी दूंगा कि सारे बच्चे जो हैं एक छोटी छोटी रिपोर्ट बनाएंगे किसी एक टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक मैं असाइन करूंगा, ठीक है? और वो टॉपिक मैं फारूक को कहता हूँ, मुझे फारूक अपडेटेड लिस्ट जो है ना वो काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो ताकि मैं आपको कुछ टॉपिक्स असाइन कर सकूँ। अच्छा, रिजल्ट्स में आपने जो कह लें कि रिजल्ट है वो बताए कि किस तरीके से या कौन कौन सी चीजें आपने देखी हैं, जैसे अभी आपने बात की कि ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर मैं कह देता हूँ तमाम क्लास को कि आप एक सर्वे करें और बच्चों से पूछें कि इसमें क्या मसले मसाइल हैं और किस तरीके से हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स में फिर आपके पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली। आप कहते हैं कि फर्ज करें जी, आप कहते हैं सर 100 बच्चों के मैंने परफॉर्मेंस फिल करवाए जिसमें से 75 बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि देर आर सीरियस प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क, ठीक है? कुछ ना कुछ तो इशू आया ना जो आपने बताया। आपने कहा सर इंटरनेट का इशू, 75 बच्चे कह रहे हैं कि इंटरनेट का बड़ा मसला है हमारे इलाकों में, हम इसे क्लास नहीं पढ़ी जाती। फिर आप कहते हैं सर 35 बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास लैपटॉप या मोबाइल नहीं है, ठीक है ना, आउट ऑफ 100। तो बेसिकली 100 का मतलब क्या हुआ कि ये 100% में आप इसको लेकर जा सकते हैं, मतलब कि 75% कह रहे हैं कि इंटरनेट नहीं है, 35% कह रहे हैं कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, ठीक है? आप कह दो सर जी 10% या 12% या 15% चले कह रहे हैं कि हमारे हमें सर्विस इस्तेमाल नहीं करनी आती है, हमें टेक्नोलॉजी का पता नहीं है इतना, हमें टेक्नोलॉजी से कोई नो हो नहीं है, हमें पता ही नहीं कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसी तरह कुछ और मसले मसाइल भी आपके पास आएंगे। आप कह सकते हैं कि सर 5% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो चीट करते हैं और जिसकी वजह से उनके नंबर ज्यादा आ जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे चीट का ऑप्शन बता रहे हैं। तो ये एक जनरल आपने एक रिपोर्ट तैयार कर ली, और आमतौर पे ये सारी बातें आप लिखेंगे नहीं, आप एक टेबल की शक्ल में दिखाएंगे इसको, इस टेबल को कोई ऊपर टाइटल देंगे, बगैर टाइटल के कोई टेबल नहीं होता कभी भी। तो आप इसके ऊपर लिखेंगे मेजर प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड बाय इंटरव्यूअर्स, जो इंटरव्यूअर ने जो भी आप प्रॉब्लम रिपोर्ट किए हैं वो आपने कौन कौन से, वो आपने बता दिया कि ये वाला प्रॉब्लम 75% ने कहा, ये वाला 35 ने कहा, ये टेक्नोलॉजी वाला 15% ने कहा और चीटिंग वाला 5% ने कहा। बाकी जो अंदर आप इसके लिखेंगे रिजल्ट्स वाली हेडिंग के अंदर वो क्या लिखेंगे, आप इसकी छोटी सी समरी बयान करेंगे। आप फिर बताएंगे कि जनाब ये जो रिजल्ट्स मैंने निकाले हैं ये रिजल्ट्स बताते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम इंटरनेट का है हमारे पास, बहुत थोड़ा प्रॉब्लम चीटिंग का भी कुछ बच्चों ने रिपोर्ट किया, लेकिन ज्यादा जो है वो इंटरनेट का है, फॉलोड बाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं, बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, बच्चों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने मोबाइल खरीद सकें और इतना ज्यादा अफोर्ड कर सकें इन चीज़ों को, ठीक है? और मतलब इस तरह फिर आप उसकी समरी में जनरल जनरल बातें लिखेंगे। ये तो मैंने जस्ट एक टेबल आपको बताया, जो आप सर्वे पूछेंगे डेफिनेटली उसमें सिर्फ एक सवाल तो नहीं ना आप पूछेंगे, आप एक से ज्यादा सवाल पूछेंगे, उसमें पूछ सकते हैं आपका इलाका कौन सा है, आपका गाँव कौन सा है। मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, फर्ज कीजिए आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ कि आप ऑनलाइन सिस्टम पे रिपोर्ट तैयार करें, तो आप क्या करते हैं आप एक कागज के ऊपर कुछ सवाल लिखते हैं जो आपने हर बंदे से पूछने हैं। उसमें आप क्या पूछेंगे, तो आपकी डिग्री कौन सी है, कौन से स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो, और जनाब कहाँ के कहाँ से बिलोंग करते हो, बुरे वाला सिटी से करते हो या गाँव से करते हो, और कहाँ कौन सा गाँव है शहर से कितने फासले पर है, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर जो आप उससे सवाल पूछेंगे कि सिग्नल का प्रॉब्लम तो नहीं है आपके इलाके में, आपके इलाके में लाइट तो नहीं जाती, ठीक है ना, आप जो है उस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी आती है, या जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी मसला आ सकता है ना। एक कुछ वो एरिड एग्रीकल्चर वाले जो टीचर है जी वो सही नहीं पढ़ाते, फर्ज कर ले, तो आप कहेंगे ये जो एरिड एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो कहते हैं कि ज्यादा मसला है टीचिंग का, टीचर सही लेक्चर नहीं देते, ठीक है? और जबकि जो यूनिवर्सिटी वाले हैं इनके ज्यादा बच्चे कहते हैं कि हमें नेट का इशू है, हम एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, हम गाँव में रहते हैं, हमारे पास इंटरनेट का मसला। तो ये देखें आप किस तरह की आपके पास रिजल्ट आने शुरू हो गए डिफरेंट टाइप्स के। माइट भी एग्रीकल्चर वाले कह रहे हैं 75% ये है, और जो कॉमर्स वाले हैं फर्ज करें वो कह रहे हैं कि हमारे पास टीचर्स जो हैं वो हमें लेक्चर नहीं सही देते, माइट भी, ठीक है? और अगर इस तरह आप कहते हैं एरिड वाले कह रहे हैं, एरिड वाले बच्चे कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा मसला ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती, माइट भी। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि हर एक के अलग अलग डब्बे भी बन सकते हैं, हर एक का अलग अलग एनालिसिस भी हो सकता है, तो वो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आप इसको डिफरेंट एंगल से इस डाटे को जो आपने कलेक्ट किया होगा परफॉर्मर में उसको एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने के बाद आप उसके टेबल बनाएं, उसके ग्राफ बनाएं, और फिर उसके बाद ऊपर समरी में बयान करें कि आपने इस रिपोर्ट में क्या क्या देखा है। सीधा सीधा रिजल्ट बताएंगे, मोटे मोटे रिजल्ट बताएंगे, हर बात बताने जरूरी नहीं है,
मुझे एक बार ऐसा इतफाक भी हुआ कि मैंने एक बच्चे की रिपोर्ट पढ़ी और उसने रिपोर्ट में क्या लिखा, इन द फर्स्ट कॉलम वी कैन सी दैट देयर इज 75% इंटरनेट प्रॉब्लम, बिलो देयर वी कैन सी देयर इज 35% मोबाइल प्रॉब्लम, एंड अबव देयर देयर इज 15% एंड अबव देयर देयर इज 5%। उसने ऐसे एक एक लाइन के अंदर एक एक डब्बे का जिक्र किया हुआ और कहने को उसने 500 की रिपोर्ट लिखी हुई, एंड दैट इज वेरी बैड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। रिपोर्ट में हमेशा जब आपने लिखना होता है तो आप समरी बयान करते हैं, आपने बोर नहीं करना किसी को भी अपनी ये चीजें दिखा दिखा कर, ये फैक्ट्स दिखा कर। ये फैक्ट्स जो है ये आपने जस्ट टेबल की शक्ल में या ग्राफ की शक्ल में अपनी रिपोर्ट में लगा देने हैं, और जो लिखने वाली बातें हैं वो आपने बहुत थोड़ी लिखनी है, और वो लिखने वाली सिर्फ आपने काम की बातें लिखनी है और उसमें आपने हवाला देना है। जैसे मैं कहता हूँ, फर्ज कीजिए ये है जी टेबल नंबर 1, ठीक है, और इसके आगे टाइटल दिया कि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स रिपोर्ट की हैं। ये है जी टेबल नंबर 2, यहाँ पे को टेबल नंबर 2 भी बना हुआ है इसी तरह का खास, ठीक है। ये है जी टेबल नंबर 3, इसी तरह आपके 5-7 टेबल बन जाएंगे इसके अंदर। फिर आप जब हवाला देंगे आप कहेंगे कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर फिर आपको समझाने के लिए सिर्फ, कि फर्ज करें आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्ज करें एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स रिपोर्टेड सीवियर इंटरनेट प्रॉब्लम इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ने कहा कि बहुत हमें प्रॉब्लम आ रहा है। आप आगे इसके हवाला देंगे टेबल 1, कि ये मैं नहीं बात कर रहा, ये टेबल 1 में नजर आ रही है, अगर आप देखना चाहते हैं देख लें निकाल कर वहां से, ठीक है। इसी तरह फिर इसके बाद आप अगली को बात लिखेंगे, आप कहेंगे जी फला चीज जो है, मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आगे इसके बाद, मैं कहता हूँ दूसरे नंबर पर सिमिलरली हाउएवर, मैं कह देता हूँ हाउएवर कॉम सेट स्टूडेंट्स फेस्ड पुअर टीचिंग इन ऑनलाइन सिस्टम, या फेस की बजाय आप कह लें रिपोर्टेड, ठीक है। और इसके अंदर मैंने हवाला दिया टेबल नंबर 2 का। इसी तरह फिर आगे मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स ऑफ एरिड एग्रीकल्चर, ठीक है, ये जस्ट एक मैं हाइपोथेटिकल चीजें लिख रहा हूँ, एक्चुअली इनका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। द एरिड एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स रिपोर्टेड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल फोन एट होम एंड हैव देयरफॉर डिफिकल्टी इन टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन। आगे फिर वही टेबल 3 एंड दैट्स इट। अब ये जो बातें मैंने लिखी है ना, ये मैंने जस्ट हर टेबल के मोटे मोटे जो बेस्ट रिजल्ट हैं वो मैंने लिख दिए, कि इसका इंटरनेट का प्रॉब्लम, इसका ये टीचिंग का प्रॉब्लम, इसमें एरिड एग्रीकल्चर का, टेक्नोलॉजी का कोई मसला है, वो मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो भी कह लें आप उसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट लिखे उसमें मैंने जस्ट मोटी मोटी बात बताई, फ्लांस यूनिवर्सिटी में ये मसला है, फ्लां में ये है, फ्लां में ये है, और आगे मैंने उसके टेबल के हवाले दे दिए, जो कोई आगे इंटरेस्टेड है वो उस टेबल को पढ़ ले, और वो पढ़ने के बाद कह भी सकता है अच्छा एग्रीकल्चर वाले कहते हैं 5% चीटिंग होती है, जबकि कॉन्सर्ट्स वाले कहते हैं 100% चीटिंग होती है, ऐसा भी हो सकता है, चीटिंग के हवाले से भी एक टेबल बन सकता है ऐसा, ठीक है ना। तो मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से आप रिजल्ट्स को लिखते हैं, आई होप आपको ये चीजें समझ लगी होंगी इसमें। आगे अब आगे नीचे बात करते हैं, मैं ये रेज करने जा रहा हूँ सब कुछ, अब नीचे बात कर रहे हैं डिस्कशन की। तो डिस्कशन क्या होती है और डिस्कशन कैसे वेरी करती है, डिस्कशन और रिजल्ट में फर्क ये है कि रिजल्ट में तो आप बताते हैं कि नतीजे आए क्या हैं, और डिस्कशन में आप एक्चुअली बताएंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि को पॉसिबल रीजनिंग देंगे, ठीक है। रीजनिंग देंगे, और ये रीजनिंग जो है ये बहुत अहम है, ऐसा अगर हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, उसकी पॉसिबल जस्टिफिकेशन देंगे, ठीक है ना। द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट इज वेयर यू डिस्कस योर मटेरियल, यहाँ पर आप डिस्कशन करेंगे। द फैक्ट्स एंड एविडेंस यू हैव गैदर्ड शुड बी एनालाइज्ड एंड डिस्कस विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द प्रॉब्लम और इशू, यहाँ पर आप वो बातें करेंगे जो आप समझते हैं अपनी रिपोर्ट के रिजल्ट पढ़ने के बाद, कि मतलब आप कहते हैं कि कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को ज्यादा मसला है क्योंकि वो गाँव में रहते हैं, ठीक है ना, गांव में सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इन योर डिस्कशन सेक्शन
इज लेंथी यू माइट डिवाइड इट इनटू डिस्कशन सेक्शन हेडिंग, कहता अगर आपका डिस्कशन काफी बड़ी है, अलग अलग करना चाहते हैं जो कि आपके लेवल पर नहीं होती आमतौर पर, आप छोटे डिस्कशन करते हैं, तो आप उसको हेडिंग में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आमतौर पर योर पॉइंट्स शुड बी ग्रुप्ड, अपने पॉइंट्स जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ फर्ज करें मैं चीटिंग के ऊपर अब इस डिस्कशन में बहस करना चाहता हूँ कि ये चीटिंग में इशू क्यों आया ऐसा, या बच्चे जो हैं ये एग्रीकल्चर वाले क्यों कह रहे हैं कि चीटिंग 5% होती है, जबकि कॉमसेट्स वाले कह रहे हैं 75% बच्चे कह रहे हैं कि चीटिंग होती है। माइंड भी जो कॉमसेट्स वाले हैं वो टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी जानते हैं, ज्यादा वो ऑनलाइन सिस्टम से आगाह हैं और वो इसमें चीटिंग करना जानते हैं बेहतर, इसलिए वो 75% कह रहे हैं चीटिंग कर रहे हैं। एग्रीकल्चर वालों को नहीं पता अभी चीटिंग करने का, इसलिए वो कह रहे हैं 5% होती है। माइट में आप उसकी कोई रीजनिंग देंगे ना कि ये इस वजह से हो सकता है, मे बी उसमें मे बी या माइट बी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कोई लॉजिकल रीजन देंगे, कोई जो आप समझते हैं या आपको जो समझ आती है, ये गलत भी हो सकती है बाद दफा डिस्कशन में। बाद दफा कोई रिव्यूअर कहता है या कोई मतलब आप ही फर्क करें रिपोर्ट लिखते हैं, आप कहते हैं इट मे बी ड्यू टू दिस रीजन, हो सकता है वो रीजन ना हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये रीजन है, तो आप लिख सकते हैं उसके अंदर। इसमें फिर आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं अगर आप चाहें, ताकि आपको डिस्कशन अगर, लेकिन आपके लेवल पर जरूरी नहीं है इतना, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आप पैरे की शक्ल में भी डिस्कशन लिख सकते हैं। यूज बुलेट पॉइंट्स टू प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स इन इजी टू फॉलो लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं आप एग्जाम्पल देता हूँ, ये डिस्कशन में आप लिख सकते हैं कि आफ्टर कंडक्टिंग दिस रिपोर्ट फॉलोइंग मेजर पॉइंट्स कैन बी समराइज्ड, इनको किया जा सकता है, वो पॉइंट्स पे आप बुलेट्स लगा के बता सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर के ये मसले हैं जी, एरिड एग्रीकल्चर के ये वाले मसले हैं जी, ठीक है, कॉमसेट्स के ये वाले मसले हैं जी, तो वो बुलेट्स लगाकर आप इनकी समान बातें डिस्कस कर सकते हैं। आखिर में बात आती है कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, नतीजा, और ये बहुत अहम चीज है, ये हर बच्चे को इसका पता होना चाहिए, और इसके साथ एक चीज और भी होती है जो पता नहीं दी है कि नहीं, मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। कंक्लूजन क्या होता है, नतीजा, अब आप इस तमाम चीजों से क्या नतीजे निकालते हैं, आप इससे क्या कहना चाहते हैं कि ये ऑनलाइन सिस्टम अच्छा है कि बुरा है, ठीक है, इसमें क्या है ओवरऑल, आप ओवरऑल बात करेंगे, जनरल आप इस रिपोर्ट की बात करेंगे कि हाँ भी ये रिपोर्ट जो है इसको पढ़ने के बाद क्या पता चला कि वाकई पाकिस्तान में ऑनलाइन सिस्टम में प्रॉब्लम है या नहीं है। यू मे वॉन्ट टू रिमाइंड द रीडर अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंक्लूजन में ये भी बताएंगे सबसे बड़ा मसला है किस चीज का पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर आप अगर कोई यहाँ पर एक चीज ये छोड़ गया वो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, कंक्लूजन के साथ ही यहाँ पर रिकमेंडेशंस भी जरूरी है, ठीक है, रिकमेंडेशन क्या है कि आप रिकमेंड क्या करते हैं, आप इसके बाद सजेशंस भी आप कह सकते हैं इसको, सजेशंस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो रिकमेंडेशन दें अपनी इस रिपोर्ट के बाद, मैं रिकमेंड करता हूँ पाकिस्तान में और इंटरनेट सिस्टम गाँव में भी प्रॉपर उसकी इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, या गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे अपने पैसे लगाए या बजट लगाए थोड़ा सा, ताकि गाँव में भी इंटरनेट की आपको फैसिलिटी मिल सके। नंबर टू, स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चों को सिखाना चाहिए, ठीक है ना, मेरा नहीं ख्याल कि मोबाइल फोन महंगे होना ऑनलाइन सिस्टम के पढ़ने में एक दुश्वारी है, उसकी वजह यह है कि आजकल चाइना की इतनी कंपनीज आ गई हैं मार्केट में कि अब वो बात नहीं रही कि जी मेरा मोबाइल जो है मैं 15,000-20,000 का लूंगा तो मैं क्लास पढ़ सकता हूँ, इस वक्त मार्केट में 7,000 या 5,000 के मोबाइल में भी जो है वो इंटरनेट चलता है, ठीक है, आजकल के जमाने में तो ऑलमोस्ट तमाम मोबाइल्स में चलता है। तो ये रिकमेंडेशंस आप कुछ देंगे अपने, रिकमेंड करेंगे इसके बाद आखिरी बात में, उसके बाद है अपेंडिसेस, अपेंडिसेस ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है लिखना लेकिन मैं बता देता हूँ ये क्या होता है, अब ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ ऑप्शनल, ऑप्शनल का क्या मतलब है कि ये अगर आप समझते हैं इसकी जरूरत है तो आप ये लगा दें, अगर आप समझते नहीं है तो ना लगाएं। अब आपके केस में जैसे भी हमने बात की कि आपने परफॉर्मेंस फेल करवाए हैं 100 हर बच्चे ने, अब आप कहते हैं सर मैंने इतनी मेहनत की है, इतना मैंने काम किया है, तो मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैंने ये किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दिखाने के लिए कि मैंने ये डाटा खुद से नहीं बनाया, ये एक्चुअल डाटा है, आप अपेंडिसेस में वो तमाम परफॉर्मेंस जो आपने फिल करवाए हैं 100 के 100 वो अपेंडिसेस में डाल सकते हैं, आप वो उनकी फोटो कापी करवाएं, उन 100 परफॉर्मेंस को जोड़े और ऊपर हेडिंग लिखे अपेंडिक्स हेडिंग है, ठीक है, APPENDIX अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स सिंगुलर है, अपेंडिक्स लगा के और उसके नीचे वो परफॉर्मेंस लगा दे सारे सफों के ऊपर, ठीक हो गया, तो वो आपके अपेंडिसेस बन जाएंगे। ये देखें उधर उसने एग्जांपल दिया, इन ऑर्डर टू असेस द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस चेंज अ क्वेश्चनियर, अब वो जो सवालनामा था
जो उसने पूछा था बंदों से, वही जो जिस तरह आपने भी एक सवालनामा बनाया और कुछ लोगों से आपने पूछा 100 बंदों से, तो वो सवालनामा उसने एक लगाया, उसके उसको नाम दिया अपेंडिक्स 2। आप इसको देंगे अपेंडिक्स 1 क्वेश्चन ईयर, जो आपने पूछा है लोगों से, जो आपने सवाल पूछे हैं कौन से पूछे थे वो आपने यहाँ पे बता दिए, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर उसने कहा जो उसने 60 लोगों से उसने ये पूछे थे और उनके रिजल्ट्स जो हैं उसने वो भी लगाए हुए हैं, वो परफॉर्मिंग उसने 60 के 60 लगाए हुए हैं, उसको उसने अपेंडिक्स 2 का नाम दे दिया, ठीक है ना। तो अपेंडिक्स 2 में वो सारे परफॉर्मिंग डिटेल वाले लगे हैं, हर बंदे के अलग अलग से डिटेल में जवाब लगे हुए हैं। तो आपके केस में भी अगर आपने ऐसी कोई चीज रखी है अपने पास, आपके पास रिकॉर्ड है किसी चीज का, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। मैंने जैसे पहले बात की कि अगर ऑनलाइन आपको डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें तो अपेंडिक्स बनता ही नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम में तो हर चीज ऑनलाइन पड़ी है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस तरह पेपर के ऊपर कोई क्वेश्चन या लिख के बंदों से फेल करवाया हुआ है तो फिर आपको अपेंडिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो अपेंडिक्स इस तक चीजें क्लियर होगी, मैं रेज करने जा रहा हूँ हर चीज को यहाँ से, ओके। देन वी हैव अपेंडिसेस, पता चल गया। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या है? रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस। यहाँ पर मैं एक चीज आपको और थोड़ी क्लियर कर दूं, और वो ऑल्दो इस रिपोर्ट में बताई नहीं गई लेकिन आपको एक्चुअली बतानी चाहिए थी इनको, वो ये थी कि जब भी हम कोई साइंटिफिक बात लिखते हैं ना तो उसमें हम कहते हैं रेफरेंसेस, दिस इज कॉल्ड रेफरेंसेस, सी लिखा मैंने। ये रेफरेंसेस जो है ना, दो तरीके होते हैं इसको लिखने के, रेफरेंसेस को, ठीक है। एक होता है साइटेशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CITATION, साइटेशन, ठीक है। साइटेशन कहते हैं हवाला, किसी चीज का हवाला। जैसे मैं कहता हूं कि आ रहा हूं, रुक जाओ एक मिनट, जैसे मैं कहता हूँ ये अभी क्लास में मुझे अरीजा का नाम नजर आ रहा है क्लास में, मैं कहता हूँ अरीजा ने ये बात की थी लास्ट क्लास में, आपको याद है। अब मैंने हवाला दिया आप सबको, ठीक है ना, मैंने एक हवाला दिया फला बंदे ने, जैसे आप अक्सर पढ़ते हैं वो लिखा होता है जी काम काम और बस काम, नीचे लिखा होता है कायदे आजम या कोई और इस तरह की बात, या अगर आप अक्सर सुनते हैं वो कुरान मजीद की कोई आयत का तर्जमा लिखा होता है और उसके बाद जो है वो नीचे लिखा होता है अल कुरान, ठीक है ना, अगर इसमें है तो अल कुरान के आगे फिर आगे दो नुक्ते लगा के उसका वर्स नंबर और आयत वो दिया होता है। एंड नाउ दिस वन इज एक्चुअली, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड साइटेशन, ये साइटेशन कहलाती है, ठीक है। हर साइटेशन जो आप अपने डॉक्यूमेंट में देंगे उसका रेफरेंस डिटेल में नीचे देना जरूरी है, रेफरेंस देना। रेफरेंस कैसे देते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं रेफरेंसेस को, उसमें क्या क्या चीजें लिखनी जरूरी है, ऑथर लिखना जरूरी है, कहाँ से वो पब्लिश किया वो लिखना जरूरी है, डिफरेंट तरीके हैं रेफरेंस लिखने के, अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि वो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स कर देगा मैं, लेकिन आपको ये सिखाऊंगा बाद में इंशाल्लाह, इसके बारे में मोटी मोटी थोड़ी बातें करेंगे। तो रेफरेंसेस नीचे दिए होते हैं, अभी मैं आपके सामने एक चीज शेयर करता हूँ, अगर मेरे पास वो खुली आई हो, भाई मेरे ख्याल में मेरे पास खुली हुई है, यस इट इज, लेट मी शो यू व्हाट आई वांट टू शो यू। ये देखें इधर, इसमें इसको मैं क्लियर कर दूं जरा, ड्राइंग्स को सारी जो इसके ऊपर बनी हुई है, ये ऑल ड्राइंग्स, ओके। ये देखें जी, ये नजर आ रहा है आप सबको, ये इस वक्त इंट्रोडक्शन लिखा है, ये उस थीसिस का जो मैं अभी दिखा रहा था, इसमें लिखा है फ्रेश वाटर scarcity is further exacerbated by global warming। वो कहता है फ्रेश वाटर की जो कमी है ना ये ज्यादा हो रही है, किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ये बात मैंने नहीं लिखी, ये बात एक बंदे ने की थी जिसका नाम था हुसैन, और उसने 2011 में ये बात की थी। अब ये है हवाला देना, ये पहला हवाला यहाँ पर मैंने दिया है। इसी तरह अगर आप इस डॉक्यूमेंट में नीचे जाएंगे तो आप इसके अंदर और हवाले भी ढूंढेंगे, जैसे ये देखें विंस्टन एट आल 2013 का एक हवाला है, पाकिस्तान का जो वो कहता है इरीगेशन सिस्टम है ये 14 मिलियन हेक्टेयर पे फैला है और दुनिया का बेस्ट लार्जेस्ट कंटिगुअस इरीगेशन सिस्टम है, दुनिया का सबसे बड़ा इरीगेशन सिस्टम है पाकिस्तान में जो इरीगेशन सिस्टम है। तो ये विंस्टन ने कहा है बात 2013 में, मैंने नहीं कही। इसी तरह ये जो बात है ये वाली फ्लो वाटर इंडस्ट्रीज हाईली रेटिंग, ये मैंने नहीं कही, ये अहमद ने कही 1993 में की। इसको कहते हैं हवाला देना। जब भी हमको बात करते हैं ना साइंस के अंदर तो हम ऐसे नहीं है कि बच्ची कहे सर देखें ये ऐसे ऐसे हुआ, ये ऑनलाइन सिस्टम में बड़े मसले हैं, आप हवाले देते हैं कि मैं अकेली नहीं कह रही, ये फलां 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 लोग भी कह रहे हैं, उससे आपकी बात में वजन आ जाता है, ठीक है। तो ये हवाला देना, साइटेशन। इसके ऊपर वैसे ऑनलाइन मैं यहाँ पे आपको सब बच्चों को इनकरेज करूंगा, ऑनलाइन मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो बना के रख दी थी साइटेशन पर, के हाउ टू गिव साइटेशन, अगर आप यूट्यूब पे वही चैनल पे जाके देखेंगे साइटेशन कैसे लिखनी है, इसके ऊपर पड़ा हुआ डाटा।
तो वो उसमें मैंने बताया कि ये कैसे लिखते हैं साइटेशन, ठीक है, वहां से देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा अंदाजा हो जाएगा। आप जो भी साइटेशन आप लिखेंगे ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये हुसैन है 2011 पहली, इसका एक्चुअल रेफरेंस भी इसी डॉक्यूमेंट में पड़ा है, लेकिन वो नीचे पड़ा है। कहाँ पे पड़ा है वो मैं दिखा देता हूँ, नीचे आएंगे रेफरेंसेज में, ये लोड हो जाए, ये सारे ग्राफ ग्रूफ हर चीज बनी है, जो टेबल शेबल है ये इसको छोड़ते, ये देखें जी रेफरेंस में आ गए हम। रेफरेंस में आकर एक बच्चा ने कुछ पूछा है और नहीं, या आपको याद नहीं करना पड़ेगा सोबिया, ये याद करने के लिए नहीं दे रहा आपको, जस्ट दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। वो एक्चुअली तो वो जो आपको डॉक्यूमेंट दिखाया है वो है आपके लिए, याद नहीं करना है इसमें से कुछ भी, जस्ट समझ लें जो बात समझा रहा हूँ। ये देखें हुसैन ए डाल का ये रेफरेंस पड़ा है, वो वाला जो मैं आपको दिखा रहा था कि हुसैन ने 2011 में बात की, उसने कहा कि ये बात, ये आप मैं बता दूं रेफरेंस लिखने का तरीका यहाँ पे मोटा मोटा, जब भी रेफरेंस लिखेंगे ना उसमें तीन चीजें होनी जरूरी है, वैसे चार चीजें होनी चाहिए, सुन लें ये बात गौर से। नंबर वन बंदे का नाम, नंबर टू किस साल में बात हुई, नंबर थ्री किस जगह पे बात की, कोई रिसाले में की, कोई ब्रोशर में की, किसी किताब में की, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस की वगैरह वगैरह, नंबर फोर वो किताब कहाँ से मिलेगी, वो किताब कहाँ पे पड़ी है, ठीक है, ये चार चीजें होनी चाहिए। कोई भी रेफरेंस उठा ले यहाँ पर, जैसे ये है, ये होवल टी ए उस बंदे का नाम है, ये एब्रीवेट किया है खास तरीके से, ये साइटेशन वाले सेक्शन में मैंने बताया हुआ है यूट्यूब पर। तो ये इस बंदे ने बात की 2001 में, ये इस वाले पेपर में इसने बात की है, ये वाली जो मैंने ऊपर बताई हुई है, और ये पेपर कहाँ पड़ा है, ये इस वाले जर्नल में पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये उसका रेफरेंस कम्प्लीट हो गया। जो भी रेफरेंस आपने देना है इस तरीके से आपने रेफरेंस देना, चार चीजें लिखनी जरूरी है, बंदे का नाम, ईयर, टाइटल, और ये टाइटल किस जगह पे पड़ा है, किसी रिसाले में छाया हुआ है या किसी ऑनलाइन जगह पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा है, ठीक हो गया। तो ये बिब्लियोग्राफी के हवाले से कुछ बात, ये बिब्लियोग्राफी यही चीज है, और इसको कैसे अरेंज किया है ये देखें इधर आप, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें भी, ये देखें बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिब्लियोग्राफी चल रही है इस जगह से ऊपर से, ये मैं ये याद नहीं करनी, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं पता नहीं सामने दे दिया याद करने को, ये जस्ट मैं अपना थीसिस आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने लिखा था। ये अल्फाबेटिकली रेंज है, ए बी पहले आया है, ये ए बी आ रहा है, ए बी चल रहा है, ये ए एच आ गया, फिर एक ए सीरीज जब खत्म होगी तो बी बी शुरू हो जाएगा, ये देखें बी आ गया, इसी तरह चलती 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 ये सी आया, ये डी आ गया, डी के बाद ये नीचे ऐसे चलती, और एंड पे जी वाले रेफरेंस होंगे इसके अंदर, एम एन ये नीचे चलते हैं, हम देखते हैं ये एस तक पहुंच गए, एस के बाद ये डब्ल्यू, ये देखें डब्ल्यू, एक्स वाला कोई रेफरेंस नहीं था, वाई वाला कोई नहीं था, जी वाले दो थे तो जी वाले दो रेफरेंस यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ये रेंज है सारे के सारे। तो बिब्लियोग्राफी यहाँ पे खत्म होगी। एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, शुक्रिया अदा करना, किसी बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो कर दें, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, फिर मैं यहाँ बात यहाँ पे बात कर दूं, ऑप्शनल है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी अभी मैं रिपोर्ट देता हूँ आपको लिखने के लिए, और मैं कहता हूँ ये सब बच्चों ने रिपोर्ट लिखनी है, एक बच्चा जाता है शौकत जमान के पास और वो कहता है, या अपने सलीम साहब के पास जाता है, वो आपका एडवाइजर भी है, वो कहता है सर मेरी मदद करें, मुझे ये रिपोर्ट बनाने में हेल्प करें, सलीम साहब आपकी बड़ी हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आप एक्नॉलेजमेंट में फिर उसका नाम लिखेंगे कि वो आई अप्रिशिएट या वी अप्रिशिएट मिस्टर सलीम फॉर हेल्पिंग अस इन कंपाइलिंग दिस रिपोर्ट, ठीक है। वो हेल्प किसी भी तरीके की हो सकती है, फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, आपको पैसे दे दिए जाए फ्यूल के, या आपकी मॉरल हेल्प हो सकती है, आपके साथ खड़े हों कि नहीं यार टेंशन नहीं लेनी मैं आपके साथ हूँ, वो टेक्निकल हेल्प हो सकती है, आपकी रिपोर्ट पढ़ के सीधी कर दें, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप की हेल्प हो सकती है। तो ये एक्नॉलेजमेंट हो गया, ये भी ऑप्शनल है, आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, बिब्लियोग्राफी हर बच्चे ने लिखनी होती है, ये ऑप्शनल है आपके एक्नॉलेजमेंट। नीचे फिर आ गया ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, ये भी ऑप्शनल है, आपके लेवल पर जरूरत नहीं है, ये बहुत हाई लेवल के ऊपर जाकर ये चीजें चाहिए होती हैं, किसी किताब के लिए चाहिए होती हैं, या आखिरी हेडिंग थी हमारी जो यहाँ पे हमने कवर करनी है, ठीक हो गया। तो ये ग्लॉसरी क्या होती है, ग्लॉसरी आपको पता है जो टर्म्स आपने उसमें इस्तेमाल की है, कोई खास किसी किस्म की टर्म इस्तेमाल की है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे नीचे ग्लॉसरी पीछे देंगे, ग्लॉसरी में आप हर डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक मेरे पास किताब पड़ी है जो कि हम पढ़ाते हैं बच्चों को अपने कोर्स के अंदर, उसके अंदर ग्लॉसरी ऑलमोस्ट अच्छी किताबों में सब में आपको ग्लॉसरी मिल जाएगी इजीली, जो भी अच्छी किताब होगी ना या कोई प्रोफेशनल बुक होगी उसके अंदर आपको ग्लॉसरी लाजमी मिलेगी। लेट मी शो यू, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। कोई सवाल है मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूँ।
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरा पहले आपको ग्लॉसरी एक बार दिखा दूं ताकि ये काम खत्म हो हमारा। ये देखें, ये किताब है, ये देखें। और यहां पर हमने ना बहुत सारी काम की बातें भी सीखी हैं। काम की बातें क्या सीखी हैं कि जब भी आपको किताब लेने जाएं, हमेशा ये बात याद रखिए कि किताब की टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स लाजमी देख लें। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स से क्या पता चलता है कि इस किताब में किस किस चीज के ऊपर बात हुई हुई है। जैसे ये देखें, इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी का है, मेटाबॉलिज्म का है, ग्रोथ का है, इंप्रूवमेंट का है, प्रोपेगेशन का है, एनवायरमेंट का है। तो ये बंदे को पता चलता है इस किताब में कौन कौन सी बातें डिस्कस हुई है। ठीक है, तो ये देखिए, ये किताब है, ये बड़ी कॉमन किताब है, हॉर्टिकल्चर में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आपने इसको पढ़ना। तो इसमें ये नीचे देखें, ये टाइटल पेज हो गया, जैसे कि मैंने पहले बात की, टाइटल पेज है किताब का, किस बंदे ने लिखी वगैरह वगैरह। ये आ गया देखें कॉन्टेंट्स, ठीक है, इसी को टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स कहते हैं ना। इसमें देखें वही वाली बात यहाँ पे फॉलो हो रही है जो मैं आपको पहले बता के आया हूँ कि अगर पेज नंबर थोड़े हैं तो फिर आप रोमन में डिजिट्स डाल सकते हैं, लेकिन जहां पे पेज नंबर बढ़ गया तो वहां पर उसने रोमन शुरू दूसरे डिजिट शुरू कर दिए। तो इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर 3 नंबर सफे पर है, ग्रोथ वाला 53 पर है, 53, एंड प्लान मेटाबॉलिज्म इज ऑन 83, एंड सो ऑन। और ये नीचे ग्लॉसरी देखें 575, पेज नंबर 575 पर ग्लॉसरी एग्जिस्ट करती है। तो ग्लॉसरी कैसी दिखती है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से निकाल कर। ये ग्लॉसरी पर गए, ये ग्लॉसरी क्लिक किया, ये देखें तमाम टर्म्स अल्फाबेटिकली अरेंज की जो जो इस किताब में इस्तेमाल हुई है, वो सारी मोटी मोटी टर्म्स जो इसमें इस्तेमाल हुई है। आपको नहीं पता आप नीचे ग्लॉसरी खोलें, उसमें से आपको ये टर्म्स मिल जाएंगे, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी, ऑल्दो ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो आपकी एक स्किल शेयरिंग के लिए है। किताब में अगर कोई डेफिनेशन आपने ढूंढनी हो ना तो पहले ग्लॉसरी ढूंढें, अगर ग्लॉसरी नहीं मिलती तो किताब के नीचे एक आखिर में एक बात होती है, उसको लिखा होता है इंडेक्स, बाद दफा पूरी गैंडम भी लिखा होता है। इंडेक्स में क्या होता है, वो जो जो किताब में हेडिंग्स इस्तेमाल हुई हैं उन हेडिंग्स और उनके आगे पेज नंबर। अगर कोई मतलब मैं कहता हूँ यार किताब में टिश्यू कल्चर कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वर्ड, तो मैं ये इंडेक्स खोलूंगा आखिर में किताब के, इसमें देखूंगा ये लिखा हुआ है, ये टिश्यू कल्चर लिखा हुआ है, ये देखिए ये 131 पेज नंबर पे इस्तेमाल हुआ है, तो मैं 131 निकालूंगा, वहां पे टिश्यू कल्चर के बारे में बातें की हुई। तो ये बड़ी अच्छी किताबों में अक्सर में ये इंडेक्स वाला आखिर में पेज पे होता है, इसमें मोटी मोटी हेडिंग्स जो जो उसमें डिस्कस हुई है वो सारी ये पेज नंबर वाइज हर हेडिंग बताई हुई है और उसके आगे पेज नंबर लिखा हुआ है। ये आपने लिखना नहीं होता लेकिन आपको पता होना चाहिए, कल को अगर कोई किताब में से चीज ढूंढनी हो तो इसमें से आप यहाँ से ऐसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है, और अगर कोई यहाँ